जय हिंद, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। आज के क्लास में हम लोग क्लासिक्स JCERT इंग्लिश बुक का यूनिट 4B आई ड्रीम अ वर्ल्ड देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, वी ऑल ड्रीम ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हम लोग सभी अलग अलग चीज़ों का सपना देखते हैं। डिफरेंट लैंड एंड वर्ल्ड दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर रियल वर्ल्ड। अलग अलग धरती, अलग अलग दुनिया, अलग अलग जगह का, जो हमारे रियल दुनिया से बहुत ही अलग होता है। इन दिस पोएम द पोएट ड्रीम्स ऑफ सच अ वर्ल्ड वेयर देयर इज लव एंड पीस एवरीवेयर। इस पोएम में जो कवि कवि होते हैं, उन्होंने वो एक सपना देखते हैं एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ पे हर जगह लव, हर जगह प्रेम और शांति फैली हो, एंड ऑल मेन आर ट्रीटेड एज इक्वल, और जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल हैं, ना मतलब किसी में भी कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा जाति नीचा जाति ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है, सारे लोग इक्वल हैं। लेट्स रीड टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस हिज ड्रीम। तो चलिए हम लोग पोएम को रीड करते हैं इस स्वप्न के बारे में और जानने के लिए। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर मैन विल स्कोर। मैं एक दुनिया ऐसा दुनिया देखता हूँ जहाँ पे कोई भी लोग है सो एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। स्कॉर्न का मतलब होता है नफरत करना, हेट करना। वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, जहाँ पे जो पृथ्वी को है वो कौन ब्लेस करेगा, प्रेम से पृथ्वी को प्रेम आशीर्वाद मिलेगा। एंड पीस इट्स पाथ अडोर, और उसके जो रास्ते होंगे वो शांति से सजे होंगे। शांति से सजे होंगे का मतलब होगा कि जहाँ पे हिंसा ना होगा, लड़ाई नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे। मैं एक ऐसा दुनिया देखता हूँ जहाँ पे लोग है सो स्वतंत्र का मतलब जानते हैं, स्वतंत्र का रास्ता जानते हैं। वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल, जहाँ पे लालच है वो लोगों के अंदर ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहेगा, लोगों को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेगा। नोर अवारिस ब्लाइट्स आवर डे। ग्रीड का मतलब लालच होता है, अवारिस का मतलब भी लालच ही होता है एक तरह से, लोभ। नोर अवारिस ब्लाइट्स आवर डे, ना ही लोभ है सो हमारे दिन को ख़राब करेगा, ना ही लालच हमारे दिन को ख़राब करेगा। अ वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और वाइट वट एवर रेस यू बी। मैं एक ऐसा दुनिया देखता हूँ जहाँ पे काले काले हो या गोरे हो, कुछ जो भी हो, विल शेयर द बॉन्टीज ऑफ द अर्थ। सभी लोग ऐसो इस अर्थ को गिफ्ट शेयर करेंगे, रिवॉर्ड शेयर करेंगे। एंड एवरी मैन इज फ्री, और हर कोई स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे काले होते हैं या गोरे होते हैं, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि काले लोग हैं तो मंदिर में नहीं जाएंगे, गोरे लोग हैं तो वही सिर्फ गोरे लोग ही मंदिर में जाएंगे, या काले गोरे एक दूसरे को आमने सामने दिख गए तो लड़ाई करने लगते हैं। तो यहाँ पे एवरी मैन इज फ्री, इसका मतलब है कि हर कोई आज़ाद होगा, जिसको जो मन करने का मन है वो करेगा। किसी को मंदिर में जाने का मन है तो मंदिर में जाओ, मतलब कोई रोक टोक नहीं होगा, हर कोई आज़ाद होगा। अब हम लोग नेक्स्ट अस्टेंजा देखते हैं। वेयर रेचनेस विल हैंग इट्स हेड एंड जॉय लाइक अ पर्ल। रेचनेस का मतलब होता है सैड, एक तरह से उदासी, एक तरह से अनहैप्पीनेस। जहाँ पे सैड है, जो उदासी है वो है सो सर झुकाएगा, और जो खुशी होता है वो मोती की तरह होगा जो हर जगह फैला हुआ होगा। अटेंड्स द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, जो है सो सभी मानव का जरूरतों को पूरा करेगा। ऑफ सच आई ड्रीम, मैं कुछ ऐसा सपना देखता हूँ। तो आई होप कि ये पोएम आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।